हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग्स। और क्वेश्चन टैग्स ये 3 या 4 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे और एक नंबर पक्का करेंगे, क्योंकि HSSC का आप कोई भी एग्ज़ाम देख सकते हैं, एक नंबर का ये ज़रूर पूछा जाता है। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर हेल्पिंग वर्ब लिखी है, आप देख सकते हैं डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, हेल्पिंग वर्ब लिखी है। यदि ये सेंटेंस में दी गई है तो आपके लिए बड़ा इजी रहता है। किस तरीके से आई कैन हेल्प हिम, इस तरीके से आपके सामने सेंटेंस आता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो बड़ा ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो सोल्व कैसे करना है, आई कैन हेल्प हिम, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपने आगे लेकर जानी है, ठीक है। इनमें से जो भी दिया गया वो आगे लेकर जाना है, कैन, ठीक है। अब इसमें देखना कहीं नोट है, नहीं है, तो आगे लिखना है कैन नॉट, और सब्जेक्ट क्या है, आई, ये लिख दो भाई, और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। अगला सोल्व करके देखते हैं, आई कैन नॉट हेल्प हिम, इनमें से हेल्पिंग वर्ब कैन दी गई है, तो यहाँ हम लिखेंगे कैन, ठीक है। इसमें नॉट देखो दिया गया है, तो आगे नहीं लिखेंगे, सीधा सब्जेक्ट लिख देंगे, कैन आई, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें इज दिया गया है, इसमें हम देखेंगे इसमें इनमें से इज दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज। इसमें नोट देखेंगे, नहीं दिया गया तो आगे लेकर जाएंगे नोट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ही कैन, ये इज नॉट ही। तो यदि ये दी गई हो तो बड़ा ही आसान रहता है सोल्व करना, तो इस तरीके से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है बच्चों को, जब ये ना दी गई हो, तो उसको भी हम अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। देखते हैं यदि ये हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब ये सेंटेंस है, राधा हेल्प्स मी, ये सेंटेंस दिया गया है, तो किस तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है। इनमें से तो कोई नहीं दिया गया इसमें, तब आपने देखना है यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तब आपने यहाँ डू और डज मानना है, ठीक है। यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो डू या डज मानना है, एक की बात है तो मानेंगे उसको डज, यदि ज़्यादा की बात है तो डू मानेंगे। अब क्या लेकर जाएं हम उस साइड, एक है तो हम लेकर जाएंगे डज, ठीक है। इसमें नोट नहीं दिया गया है तो नोट रखेंगे, राधा है तो हम सी लिखेंगे वहाँ राधा के लिए, इस तरीके से सोल्व करेंगे। यदि यहाँ ज़्यादा होते तो यहाँ हम डू लेकर जाते। अब मान लिया यही सेंटेंस हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राधा हेल्प्ड मी, तब कैसे सोल्व करें। यदि सेकंड फॉर्म दी गई है तो हम यहाँ डिड मानते हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, इस साइड हम लेकर जाएंगे डिड, ठीक है। नोट नहीं है तो वहाँ नोट लिखेंगे, डिड नोट, राधा है तो उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सी, डिड नोट सी। और यदि यहाँ नोट दिया गया है तब वहाँ हम नोट नहीं लिखेंगे। तो निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है फिर तो आसान आपके लिए, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है और पहली फॉर्म दी गई है तो डू डज मानते हैं, सेकंड फॉर्म दी गई है तो डिड मानते हैं, और इस तरीके से फिर उस साइड हम रखते हैं। ये क्वेश्चन टैग्स है, इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका एक नंबर पक्का है HSSC में। तो इस वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।